हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छोड़ दो मुझे। चलो बे, ले लो नीचे इसको। नहीं नहीं, मत मत मत, देखो प्लीज। अरे पंकज, समंदर में इलाका नहीं होता है। अरे अरे, मेरे कहने का ये मतलब है कि क्या हम शार्क के आसपास हैं? हम समुद्र के बहुत अंदर आ गए। जी सर, आप अभी जिस स्पॉट पर हैं, वो पूरा एरिया शार्क से भरा हुआ है। सर सर, ये पूरा एरिया शार्क से भरा हुआ है सर। यहाँ पे सर, यहाँ शार्क की एक भी फिन नहीं दिख रही है। लेकिन मुझे एक बोट दिखाई दे रही। वो देखा सर, ये बोट कहीं सीआईडी को फॉलो तो नहीं कर रही है? होगा कोई नाविक मछली पकड़ने आया होगा। पूरे समंदर में तुम्हारी बोट रहेगी क्या? चलो श्रेया, तैयार हो जाओ। सर निखिल, ये शार्क का एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, और शार्क थोड़ी अपने मुंह से बोलेगी कि हाँ मैंने दो जन को खाया। ऐसा नहीं होता है पंकज, बस मुझे टेंशन इस बात की है कि कहीं कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा सर, कहीं शार्क ने आप पे अटैक कर दिया तो? अरे यही तो पता लगाना है पंकज, कि अगर शार्क को छेड़ा ना जाए और उन्हें उकसाया ना जाए, तब भी क्या वो इंसानों पर हमला करती है? हाँ सर, शार्क आदमखोर तो होती नहीं कि समंदर से किनारे तक आ जाए और इंसानों पर हमला करके उन्हें मार डाले। अरे सर, मगर उस पिंजरे में जो आदमी था और उस लाइफगार्ड को भी तो एक शार्क ने किनारे पर ही आके मारा था। यही गुत्थी तो सुलझानी है पंकज। याद है उस मरीन बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा था कि शार्क कभी किनारे पे आके हमला नहीं करते। रेडी? What?
करो, शार्क हमारी तरफ नहीं आ रही है, दूसरी तरफ जा रही है। अरे निकल अभिजीत सर, नीचे सर। अरे चुप करो, दूसरी तरफ जा रही है वो। जीसर नहीं है। अभी जीसर, अभी फोड़ दागो, जल्दी फोड़ दागो, जल्दी। जल्दी, जल्दी उस तरफ लो, जल्दी। अमन, कामिया, कमोन आगे, कमोन। जल्दी करो, जल्दी। ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? सर, सर। संभाल के। सर, मैंने कहा था नहीं एक्सपेरिमेंट मत करिए। आपने देखा ना, शार्क ने अटैक किया ना श्रेया पे। नहीं पंकज, शार्क ने मुझ पर हमला नहीं किया था सर।
मैं शार्क को देखकर बहुत घबरा गई थी। हाँ, शार्क ऐसे तो किसी पर हमला नहीं करती, लेकिन जब भी वो कोई नई चीज देखती है तो वो ये जानना चाहती है कि आखिर में ये चीज है क्या, दोस्त है कि दुश्मन है। फिर भी आपने हमारी मदद की, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। लेकिन अगर आप इनको बचाते नहीं तो क्या शार्क हमला कर सकती थी? नहीं, शार्क इन पर हमला नहीं करती। दरअसल ये शार्क को देख के डर गई, फिर घबराहट में ये तेजी से हाथ पैर हिलाती या फिर तेजी से तैरकर बोट की तरफ आने की कोशिश करती, तो शार्क को ये लगता कि ये उन पर हमला करने वाली है, फिर शायद शार्क अपने बचाव में इन पर हमला कर देती। ओ, बच गई। वैसे शार्क के बारे में लगता है आपको काफी जानकारी है, है? जी, दरअसल मैं एक मरीन रिसर्चर हूँ और ये हमारी टीम है माया एंड्री। हाय सो। हेलो। दरअसल हम गहरे पानी के जीवों के बारे में रिसर्च करते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? हम लोग CID से, और एक केस के सिलसिले में हम शार्क के बर्ताव के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। CID? शार्क के बर्ताव की जांच? मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली 3-4 दिनों में 2 आदमियों की मौत हो गई। वैसे तो ये शार्क अटैक लगता है, लेकिन हमें शक है कि शार्क को खून करने के लिए उकसाया गया। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, मुझे ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, लेकिन हमेशा से शार्क के बारे में लोगों को गलतफहमी रही है, इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल 3 दिन पहले हमें एक लाश मिली। मछुआरे डूब रहे, बचा के उन्हें बचाता हूँ। तुम आओ साथ में। नहीं रोहित, तुम्हारे घुटने में चोट लगी, मैं जाता हूँ। बचाओ इसे, बचाओ। जतिन को मालूम था कि वहाँ पे टाइगर शार्क्स हैं, तो उसे किसी बोट वगैरह से जाना चाहिए था ना। घर के जाने की क्या जरूरत थी? सर, जतिन पहली बार नहीं गया था उस स्पॉट पे। सर, जतिन और मैं पहले भी कई बार जा चुके हैं सर उस स्पॉट पे। सर, सर शार्क हमारे इतने बगल से जाया करते थे सर, लेकिन कभी किसी पे हमला नहीं किया सर। क्या इतने पास में भी आने के बाद शार्क हमला नहीं करती? ये तो गलतफहमी शार्क को लेकर सर। शार्क को अगर छेड़ा या उकसाया जाए तभी वो किसी पे हमला करेगी ना सर, वरना क्यों करेगी किसी पे हमला। तो हो सकता है कि जतिन ने किसी वजह से शार्क को परेशान किया हो। नहीं सर, ये साजिश है सर, जतिन को समंदर में बुलाने की साजिश। साजिश? जी सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये साजिश थी? सर, जतिन एक ट्रेन लाइफ गार्ड था, वो शार्क को उकसाएगा ही नहीं, और वो 2 मछुआरे, उनके लिए तो समुद्र उनके घर की तरह है, और वो भी इन शार्क के बारे में जानते होंगे, वो भला इन शार्क को उकसाएंगे ही क्यों? उन दोनों मछुआरों की लाश मिली? जी नहीं सर। और वो बोट जिस पे हमला हुआ था? सर वो रहा सर। तो वो लाइफगार्ड जैसे कपड़े? हाँ, इसमें कुछ है, हो सकता है उस लाइफगार्ड जतिन की हो। ये क्या है? सर, हाँ? सर ये जतिन की शॉर्ट्स का कपड़ा मिला है, उसकी जेब में से ये चीज मिली है। ये है क्या ये चीज?
क्या चीज है ये आप जानते हैं? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? ये तो जतिन के जेब में से मिली है। पता नहीं सर, हम लाइफ गार्ड इसका इस्तेमाल नहीं करते सर। लाइफ गार्ड इसका इस्तेमाल नहीं करते तो फिर ये चीज जतिन की जेब में क्या कर रही थी? और दूसरे दिन हमें और एक लाश मिली, उसको भी शार्क ने अटैक किया था। फिर से किसी शार्क मछली का काम लगता है सर, आधा शरीर तो शार्क मछली खा गई। मगर सर ये क्या चीज है जिसमें ये बॉडी फंसी हुई है? तो ये किसी शार्क केज का हिस्सा है और जिस तरह से इस केज को काटा गया है लगता है कोई बहुत बड़ी शार्क मछली है। मतलब सर ये आदमी शार्क पर रिसर्च कर रहा था? हो सकता है, पर एक बात समझ में नहीं है। कौन सी सर? ये ताला, अक्सर ऐसे पिंजरे में इस तरह का ताला नहीं होता। ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है जिससे पिंजरे के अंदर जो आदमी है वो आसानी से अंदर बाहर जा सके। मतलब सर ये एक्सीडेंट नहीं है? हाँ पूर्वे, लगता ये एक मर्डर है। नहीं हो सकता थारुंगे, हैं? क्या नहीं हो सकता? यही बॉस के शार्क का दांत लोहे का तो हो नहीं सकता है। क्या मतलब? मतलब ये इस आदमी के घाव में मुझे ये मिला है। यार थारुंगे, ये तो किसी चाकू का टुकड़ा लगता है। हाँ बॉस, ये चाकू का नुकीला टुकड़ा ही है। किसी ने इस पर चाकू से जब वार किया होगा, ये टुकड़ा पसलियों में जाकर के टूट गया। मतलब सर पहले इस पर चाकू से वार किया गया, उसके बाद इसे पानी में डाला? वही तो। क्यों? इस बेचारे को मारना ही था तो पहले जमीन पर मारता और फिर समुंदर में डाल देता। लेकिन पहले इस पर वार किया, फिर पिंजरे में डाला और फिर इसे छोड़ दिया शार्क के लिए। सर हाँ, जरा आएंगे प्लीज। डिवाइस जो आप लोगों को उस लाइफ गार्ड के कपड़ों पे से मिला था, ये एक किस्म का वाइब्रेटिंग डिवाइस है। वाइब्रेटिंग डिवाइस? हाँ सर, और ये डिवाइस सिर्फ रिमोट से ही चलता है। रिमोट से? हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा, एक जख्मी आदमी जिसे पिंजरे में बंद करके पानी में डाला जाता है और एक दूसरा आदमी, एक लाइफ गार्ड, एक एक्सपर्ट स्विमर अपने साथ ये रिमोट वाला वाइब्रेटर लेकर पानी में उतरता है। और तो और, इन दोनों पर ही एक शार्क हमला करता है। इन दोनों पर ही क्यों? क्योंकि शार्क को उन दोनों आदमी को पास आने के लिए उकसाया गया था। वो कैसे? ये जरूर कोई टाइगर शार्क ही होगा जो गहरे समंदर में रहती है, यानी कि पॉइंट ए, और जिस जगह पर हमला हुआ वो किनारे से बहुत करीब है, यानी कि पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी करीबन 1.5 किलोमीटर की है। तो क्या इतनी दूरी से उस शार्क ने इन दोनों को देख लिया होगा? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जिस आदमी पर शार्क ने हमला किया उसके शरीर में से चाकू की नोक का टुकड़ा पाया गया था। सालुन के साहब का भी यही मानना था कि जब वो आदमी पिंजरे के साथ पानी में गया तो शायद वो पहले से जख्मी था। जख्मी था तो उसके शरीर से खून भी निकला होगा और वो खून पानी में मिल गया होगा, जिसकी महक से शार्क उस तक तेजी से पहुंच गए। मगर आपने अभी अभी कहा कि विक्टिम और शार्क के बीच 1.5 किलोमीटर की दूरी थी, तो शार्क इतनी दूरी से खून सूंघ सकती है?
शार्क के सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। वो अपने शिकार और खून की महक को 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ लेती है और वो तेजी से उस तक पहुंच जाती है। फिर भी एक बात हजम नहीं हो रही है, जतिन एक अच्छा स्विमर था, एक लाइफ गार्ड था, वो समुन्द्र में उतरा था उन मछुआरों को बचाने के लिए। वो बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई जख्म वखम नहीं थी उसके शरीर पर, फिर भी शार्क ने उस पर हमला कैसे किया और क्यों? उसकी वजह है ये वाइब्रेटर डिवाइस जो आपको जतिन के कपड़ों से मिला है। ये डिवाइस वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस की वजह से। मगर मैंने तो सुना है कि शार्क के कान नहीं होते, तो फिर शार्क ने इस वाइब्रेटर डिवाइस की आवाज सुनी कैसे? इस डिवाइस से आवाज नहीं बल्कि एक कंपन पैदा होती है पानी में, जिसकी वजह से शार्क को ऐसा लगता है कि उसका कोई शिकार है और वो तेजी से उस तक पहुंच जाती है। मतलब इस डिवाइस से जो वाइब्रेशंस निकली, जो कंपन निकले, उससे शार्क को लगा कि कोई शिकार आया है। सचिन, इसका मतलब है शार्क ने इन दोनों पर हमला नहीं किया बल्कि शार्क को मजबूर किया गया हमला करने के लिए, और ये तो वही कर सकता है जो शार्क्स के बारे में पूरी जानकारी रखता है। डॉक्टर धनराज का कहना सही है, शार्क को किनारे तक लाने के लिए लुभाया गया। अच्छा ये बताइए कि समंदर के इस पॉट में ज्यादातर कौन से किस्म की शार्क्स पाई जाती है? ज्यादातर तो टाइगर शार्क पाई जाती। थैंक यू सर। टाइगर शार्क्स ने ही जतिन और उस आदमी पर हमला किया था। सर ये आदमी चाहता क्या है, क्यों इतने अजीब तरीके से मर्डर्स कर रहा है? शार्क को बदनाम कर रहा है। शार्क यार ने मर्डर किया जा रहा है। इस वाइब्रेटिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया गया जतिन के फोन में, इससे सुपरसोनिक साउंड निकाली गई जिससे शार्क जतिन के पास आई और उसका खून कर दिया। और तो और उन्हीं को यह भी पता था कि तुम्हारे घुटने में चोट लगी है और तुम्हारी ड्यूटी दोपहर की, इसलिए उसने ऐसा वक्त चुना जिसमें सिर्फ और सिर्फ जतिन ही उन दोनों ढोंगी मछुआरों को बचाने के लिए पानी में कूदे। जतिन के खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। सर वो कैसे? सर जतिन के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब हमें बताइए आप। सर जतिन के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते सर, बस इतना पता है सर कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी सर, और ना ही उसकी किसी से गहरी दोस्ती थी सर। हाँ वो हमेशा अपने काम से काम रखता था और ज़्यादा किसी से बातें भी नहीं किया करता था। ये लाइफगार्ड बनने से पहले जतिन क्या करता था कुछ मालूम है आपको? लाइफगार्ड बनने से पहले? हाँ सर वो किसी एनिमल एडवेंचर चैनल में काम करता था सर। क्या क्या काम करता था? सर वो समुद्री जीवों पर फिल्म बनाया करता था, इससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं सर वो, और उसने बात को काट दिया सर। सर एनिमल एडवेंचर तो काफ़ी बड़ा चैनल है, इतने बड़े चैनल में काम करने वाला एक आदमी लाइफगार्ड कैसे बन गया? इसका जवाब तो एनिमल एडवेंचर चैनल में जाके ही पता चलेगा। तब तक वो ढोंगी मछुआरों ने जो बोट किराए पे ली थी ना, उसके मालिक से मिलते। ये सारे बोट्स मेरे हैं सर। और ये भी बोट मेरा है, भाड़े पे गई पर अभी तक वापस नहीं आई। और अब वापस आएगी भी नहीं। क्या मतलब सर? जिन दो मछुआरों को तुमने बोट भाड़े पे दी थी वो दोनों लापता है। मछुआरे? वो मछुआरे नहीं थे सर, वो तो आम आदमी थे। आम आदमी? लेकिन आम आदमी को तुम्हारी बोट से क्या मतलब? उन्होंने कहा समंदर की सैर करनी है और मैंने उनको बोट भाड़े पे दे दी, 6,500 रुपए दिए और बस हो गया। अच्छा फिर तुमने नाम भी नहीं पूछा होगा उनका? हाँ पूछा ना सर उनसे, वो बोले नाम से क्या लेना है, ये तुम पैसे लो और अपना काम करो। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से एक आदमी की जान चली गई, समझे तुम? मैं कुछ समझा नहीं सर। क्या समझाने का टाइम नहीं है, तुम ये बताओ वो दोनों आए कैसे थे? पैदल आए थे, कोई गाड़ी वाड़ी से आए थे? हाँ सर वो लोग ट्रक से आए थे। ट्रक? अच्छा और कोई खास बात याद है? हाँ सर ट्रक के पीछे एक अजीब सी शायरी लिखी थी सर। अजीब सी शायरी क्या थी? जैसे मैं हूँ प्यासा तू है कुआं, लेकिन हॉर्न जरा धीरे धीरे बजा, ये लिखा था सर। सर ये हॉर्न और कुएं में कोई कनेक्शन हो सकता है? इसका कनेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन उन दोनों ढोंगी मछुआरों का और ट्रांसपोर्ट कंपनी का कनेक्शन जरूर है।
दो अनजान आदमी तुमसे बोट किराए पे मांगते हैं तो बिना नाम पता लिए बोट किराए पे नहीं देनी चाहिए थी तुम्हें। सॉरी सर, गलती हो गई। ठीक है, उन दोनों आदमियों का स्केच बनवाओ। ठीक है ठीक है। मुंबई औरंगाबाद नासिक रूट पे चलने वाली लॉरी, सफेद रंग की लॉरी, ये दो लोग चलाते। देखा है ने? नहीं साहब, हमारे यहाँ तो सफेद रंग की लॉरी है ही नहीं। सफेद रंग की लॉरी और उसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। बता क्या लिखा हुआ है? मैं हूँ पैसा, तो तू है कुआं। हॉर्न लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बजा। मैं नहीं बता सकता साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ। अनपढ़ है? अरे पढ़ लिख लिया होता तो सीआईडी के कुछ काम आ जाता था। जब पढ़ो लिखो। सर यहाँ पे जितनी भी व्हाइट लॉरी है सब देख ली, किसी के पीछे कुछ नहीं लिखा है। तुमने ट्रक के बारे में झूठ तो नहीं कहा हमसे? नहीं सर, मैंने बिल्कुल सही बताया आपको। अच्छा पूर्वी, तुम्हारी लिस्ट में ट्रांसपोर्ट कंपनी के और कितने नाम है? और तीन नाम है सर। 19 फरवरी से बीबीजी 765 का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्यों नहीं है जवाब दो। सर सफेद लॉरी। ये लॉरी लग तो यही रही है सर। पीछे देखते हैं कुछ दिखाया कि नहीं। सर इसमें एक बड़ा सा स्टील का पिंजरा भी था। ये लॉरी किसकी है? क्यों, मेरी है? अगर तुम्हारी है तो फिर तुम मुसीबत में हो। सीआईडी? सर मैंने कोई गलती नहीं की सर। इस लॉरी में एक पिंजरा था और उसमें एक आदमी को कैद करके रखा गया था और फिर उस पिंजरे को समंदर में फेंक दिया गया। क्या? और उस लॉरी में ये दो लोग थे। पहचानते हैं? हाँ, ये दोनों तो मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। बल्लू और चिंकू इनका नाम है। बल्लू और चिंकू? कहाँ मिलेंगे ये बल्लू और चिंकू? सर ये रहे बल्लू और चिंकू, ये रहे। चिंकू भाग। रख। एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो गोली चल जाएगी। नहीं साहब, साहब हम पर गोली मत चलाना साहब। साहब हमने सब पैसों के लिए किया था साहब। हम उन पैसों से ट्रक खरीदने वाले थे, हमारी उन दोनों से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। वो आदमी की उससे कुछ अजीब तरह की दुश्मनी थी। कौन था वो आदमी? सर वो एनिमल एडवेंचर चैनल में काम करता है। सर ये तो वही चैनल है जिसके लिए लाइफगार्ड जतिन काम करता है। जतिन? शार्क अटैक, शार्क मछली ने जतिन को मार डाला। हाँ हाँ, शार्क मछली ने जतिन को खा डाला। जतिन आप क्या काम करता था एनिमल एडवेंचर चैनल में? इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर उसने लाइफगार्ड की नौकरी क्यों पकड़ ली? ऐसा क्या हुआ? सर हमें कुछ नहीं पता, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमारे बॉस मिस्टर निकेतन से पूछिए। बुला निकेतन को। बुला। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे सीआईडी सर, आप लोग यहाँ? जी हाँ, आप मिस्टर निकेतन ही है ना? हाँ जी हाँ, मैं हूँ इस चैनल का हेड मिस्टर निकेतन। बोलिए क्या बात है? अच्छा ये बताइए कि मिस्टर जतिन आपके यहाँ काम करते थे ना? हाँ, जतिन हमारे समुद्री जीव पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। बोले क्या बात है? खून हो गया उसका। खून? हाँ, शार्क का इस्तेमाल किया गया जतिन को मारने के लिए। सर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यही पता लगाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। 2012 में जतिन ने यहाँ की नौकरी क्यों छोड़ी? ऐसा क्या हुआ यहाँ पर जो लाइफगार्ड बन गए? अमित जरा कंप्यूटर में से 89X फाइल खोलना। सर 2012 में जतिन हमारे यहाँ पे वाटर लाइफ डिपार्टमेंट में प्रोग्रामिंग हेड था और उसके टीम में तीन लोग थे, प्राची, दिया और सिड। फिर क्या हुआ? सर मैंने शार्क पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए उन चारों को ऑस्ट्रेलिया भेजा था। लेकिन वहाँ पर शार्क पोचिंग यानी कि शार्क मछली के गैरकानूनी शिकार में वो लोग फंस गए। सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन दिया और प्राची वहाँ से इंडिया नहीं लौटी और सिड और जतिन ने भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और इसलिए तुमने उन्हें नौकरी से निकाल दिया? सर मैं क्या करता, मेरे चैनल का नाम खराब हो रहा था और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। इस सब के पीछे वही है सचिन, ऑस्ट्रेलिया का शार्क पोचिंग। शार्क पोचिंग? सर जो पिंजरे में हमें लाश मिली थी वो जतिन की तो थी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लाश जतिन के साथ ही सिड की हो? हो सकती है, हो सकती है वो सिड की लाश। सर फाइल ओपन हो गई। आइए सर।
अच्छा देखिए, ये है जतिन और ये दिया और ये है सर प्राची। पंकज दोनों को लेकर आओ। सर जतिन और सेठ का तो खून हो चुका है, अब बचे प्राची और दिया। कहीं प्राची और दिया को भी। उर्वी काम करो, दिया और प्राची इन दोनों की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सर देखो इस फोटो को, तो ये दो लोग हैं क्या? इनमें से इसे तुम्हें पानी में डालने के लिए कहा गया था? हाँ साहब यही है वो आदमी। यही है ना वो? अच्छा बताओ किसने कहा था तुम्हें इसे पानी में डालने के लिए? सर इसी ने बोला था। मैं धीरे से लाओ बस जल्दी हो गया अभी निकालो इसे। चिंकू सर पकड़। चले से वो तैयार है। इतनी भी क्या जल्दी है? इंजेक्शन, जब इसे इंजेक्शन से ही मारना है तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये इंजेक्शन इसे मौत नहीं बल्कि इसे होश में लाएगा। होश में? हाँ, ताकि ये अपनी मौत अपनी खुली आंखों से देख सके। अब देखो उठो ट्राई करो। अरे तुम लोग ये पिंजरे में क्यों बंद किया मुझे? तू? हाँ मैं। ये क्यों मारा मुझे? क्यों मारा? जब ये पिंजरा समुद्र में जाएगा और तुम्हारे इस खून की महक से शार्क मछलियां जब तुम्हारी तरफ बढ़ेंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा मैंने तुम्हें क्यों मारा। मत करो ऐसा, छोड़ दो मुझे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मत करो। नहीं नहीं छोड़ दो। अरे सर ये क्या पके जा रहे हो तुम? मैं तुम्हें जानता तक नहीं, मैं क्यों मरवाऊंगा इन लोगों को? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? सर झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं लोग। कौन झूठ बोल रहे हैं और कौन सच, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। सर सर प्लीज एक बार मौका दीजिए ना सर, दया सर की स्टाइल में दरवाजा तोड़ने का। हाँ मैं एसीपी साहब से बात करता हूँ, आगे से दरवाजे तोड़ने का ऑर्डर तुम ही को दे। नहीं 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 सर, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रहा था। क्या काम करें सर? सर पड़ोसियों ने कहा था ये घर एक साल से बंद है, तो फिर इतना साफ सुथरा कैसे? बजे ना दिमाग की घंटी, इसका मतलब साफ है इस घर में कोई रह रहा है। ये?
प्राची का पति है? और भी बात कुछ छुपा होगा इस घर में। साहब, दिया जी को मरे हुए तो एक साल हो गया है। क्या? दिया की मौत एक साल पहले हुई है? जी साहब। कैसे? कैसे मौत हुई दिया की? साहब, वो विदेश किसी काम के लिए गई थी और वहीं पर उनकी मौत हो गई। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर। अच्छा, क्या दिया यहाँ पर अकेली ही रहती थी या कोई और भी था उसके साथ? साहब, उनकी बहन रहती है यहाँ। अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ रहने को आई है। उससे पहले वो कहाँ रहती थी? विदेश में रहती थी। उन्होंने ही मुझे दिया जी की मौत के बारे में बताया था। क्या नाम क्या है दिया की बहन का? जी, माया जी। माया नाम है? ये हमारी टीम है, माया एंड रे। पता नहीं क्यों ये माया नाम सुना हुआ लगता है। क्या कोई तस्वीर वगैरह है माया की आपके पास? जी साहब, एक मिनट लेकर आती हूँ। जी साहब, दिया जी की छोटी बहन। दिया की छोटी बहन माया। जिस सुराग का इंतजार था वो आखिर मिल ही गया। प्लानिंग के साथ मर्डर किए गए। खूनी इरादे इसके थे सर, और बदनाम बेचारी शाक मछली को कर दिया। ये कौन है? ये सर, क्या अगला खून इसका होने वाला है? हो सकता है सर। मैं अभी आपको ही फोन करने वाला था। ये शार्क मछली का खेल कौन खेलता है उसका पता चल गया है। पिछली बार हम 90 फीट तक गए थे और इस बार भी उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। हमें सिर्फ टाइगर शार्क की फुटेज निकालनी, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमें ये पता लगाना जरूरी है कि दोपहर के वक्त ये टाइगर शार्क पानी के किस लेवल तक रहती है। ओके माया, माया तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, कहाँ देख रही हो तुम? क्या इधर? बोट तो हमारी तरफ आ रही है। अरे, ये लोग तो हाथ भी दिखा रहे हैं। अरे, ये तो सीआईडी के लोग हैं। अमल, अमल क्या कर रहे हो? Come on,
तुझे क्या लग रहा है? तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा हमारे मुद्दे में? नहीं, क्यों किया तुमने ये सब? हाँ किया सर, लेकिन मैंने नहीं, उन तीनों ने किया सर। मुसीब, जतिन और दिया को तो कार के जबड़े में ही मरना था, क्योंकि उन लोगों ने मेरी पत्नी प्राची को शार्क के पास मरने के लिए छोड़ दिया था सर। इन सबको शार्क अटैक से तुम मारना चाहते हो? तुम्हारे इस प्लान के बारे में हमें पता चल चुका था, और प्राची के घर से हमें यह भी पता चल गया कि तुम प्राची के पति हो। अपने ज्ञान का इस्तेमाल तुमने बेकसूर लोगों का खून करने में किया है। नहीं सर, उनमें से कोई बेकसूर नहीं था सर। मुसीब, जतिन और दिया ने ऑस्ट्रेलिया में मेरी पत्नी प्राची को कार के पास मरने के लिए छोड़ दिया था सर। खुद तो जाहिर से और पोतर से अपनी जान बचा के भाग निकले और मेरी पत्नी को मौत के मुंह में छोड़ दिया सर। और मेरी पत्नी के मरने की खबर इन लोगों ने इंडिया में रिपोर्ट तक नहीं की। सच बात तो ये है सर कि उस दिया की जान बचाने के लिए मेरी पत्नी ने अपना बलिदान दिया था सर, लेकिन बाद में दिया को भी मेलबोर्न में अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं था सर, क्योंकि सिड और जतिन अभी जिंदा बचे थे। माया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसे क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि माया उस दिया की बहन है और मैं उस दिया को अपने हाथों से मार नहीं पाया था। इस बात का मेरे दिल में मलाल था, और जब इस माया ने मेरी टीम को ज्वाइन किया तब मैंने सोचा कि इसको मार के मेरे कलेजी को ठंडा कर लेगी। अमल ने मुझे धोखे में रखा, उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन की जान सिड और जतिन की वजह से गई है, और इसीलिए उनसे जब सीआईडी तहकीकात करने आई तो मैंने उनसे भी कुछ नहीं कहा सिड और जतिन के बारे में। इसका मतलब है तुम्हें मालूम था कि अमल ने सिड और जतिन को शार्क अटैक से मारा है? मुझे मालूम था, और उस काम के लिए चिंकू और बल्लू को मैं ही ढूंढ कर लाई थी। इस सब में तुमने अमल का साथ दिया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन वो एनिमल एडवेंचर चैनल का हेड निकेतन, उसे क्यों फंसाया तुमने? क्योंकि बलि का बकरा किसी को तो बनना ही था सर। दूसरा, चिंकू और बल्लू से निकेतन का मुखौटा पहन के मैं मिला था सर। इन बेकसूर शार्क्स को तुमने बदनाम किया है अपना हथियार बना के, जबकि ये इंसानों के दुश्मन नहीं होते हैं। मौत बांटते फिर रहे थे ना तुम, हाँ? अब तुम तैयार हो जाओ फांसी पर लटकने के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।